नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से एक न्यू पीएलसी हमने इंस्टॉल की है और न्यू पीएलसी के अंदर कोई प्रोग्राम आपको ट्रांसफ़र करना है। तो सबसे पहले मैंने जीएक्स डेवलपर खोला। मिशुबिशी का ये प्रोग्राम है, पहले से बना हुआ है, तो इस प्रोग्राम को मैं ओपन प्रोजेक्ट कर लूँगा। और जो प्रोग्राम मैंने कोई बैकअप लिया हो या कोई हमने बनाया हो उसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ। सपोज मैंने ये प्रोग्राम मैंने ले लिया, अब ये प्रोग्राम खुल गया है, ठीक है। तो अभी जैसे ही मैं इसको ऑनलाइन करने की कोशिश करूँगा ये F3 से, तो ये एरर आ जाता है यहाँ पे ES01808009, ठीक है। तो अब क्या करना है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे इसके लिए हमें सबसे पहले F2 प्रेस करना पड़ेगा। ये लीजिए, F2 प्रेस करते ही ये राइट मोड में चला गया और अब हम इसे ऑनलाइन में जाना है। इसको ध्यान रखना बिल्कुल कि यहाँ पे F2 ही दबाना है तभी ये काम करता है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम आ जाती है। फिर हम ट्रांसफ़र सेटअप में जाएंगे, जो आपका पोर्ट होगा कॉमन पोर्ट उसको सेलेक्ट कर लेंगे। मेरा यहाँ पे 10 है, 10 सेलेक्ट कर दिया, ओके। अगर आप चाहे तो कनेक्शन टेस्ट कर सकते हो, ओके ओके कर दिया। अब ये प्रोग्राम हमारा अब दिख गया, जो एरर आ रहा था वो अब नहीं दिखेगा। ये F3 आते ही ये हो चुका। अब आपको इसको अंदर कोई कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह करना है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऑनलाइन में जाइए, राइट टू PLC करोगे तो सेलेक्ट ऑल करते ही सारा हमारा एक्सक्यूट हो जाएगा, ठीक। अब कोई आपको एरर आएगा नहीं, तो इसे आप कीजिए। और कोई आपकी क्वायरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। नमस्ते दोस्तों।